रीवा के केंद्रीय जेल में वर्षों से सजा काट रहे 13 कैदियों को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर रिहा कर आजाद कर दिया गया। ये वो कैदी थे जिन्हें अच्छे आचरण व व्यवहार के लिए की वजह से उनकी सजा माफ करने की सिफारिश केंद्रीय जेल रीवा के द्वारा की गई थी। ये सभी कैदी आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे थे। हत्या जैसे संगीन मामले की सजा काट रहे इन कैदियों को मध्य प्रदेश शासन जेल विभाग भोपाल के आदेशानुसार रिहा किया गया है। जानकारी में बताया गया है कि इन कैदियों को सजा में छूट का लाभ मिला है, इसलिए इन्हें रिहा किया जा रहा है जिससे ये एक नए जीवन की शुरुआत कर सके। रिहा किए गए कैदी रीवा, सीधी, शहडोल, उमरिया, सिंगरौली, अनूपपुर, मऊगंज के हैं। रिहा किए गए 13 कैदियों के नाम विष्णुकोल, दद्दी बैगा, अरविंद कुमार, राघवेंद्र सिंह, नर्मदा सिंह, धर्मेंद्र सिंह, राजमणि गौंड, अर्जुन सिंह, रावेंद्र पटेल, रज्जा हरिजन, विश्वनाथ अमेल कोल और राजकुमार पाठक है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर केंद्रीय जेल रीवा से 13 कैदी रिहा हो रहे हैं। ये सभी आजीवन कारावास के कैदी हैं। 12 कैदी 302 के कैदी हैं। एक कैदी SC/ST एक्ट का है, उसमें उसको आजीवन कारावास की सजा पड़ी थी। वो कुल मिला के ये सभी 13 कैदी आजीवन कारावास के कैदी हैं जो आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर रिहा हो रहे हैं। महिलाएँ कोई नहीं, सभी पुरुष कैदी हैं। और इन कैदियों को जो विभिन्न आयामों में यहाँ पर प्रशिक्षण इन्होंने ट्रेनिंग ली है और जो भी इन्होंने यहाँ सीखा है तो परिवार का अपना भरण पोषण करेंगे, अच्छे तरीके से जीवन व्यतीत करेंगे। और इनको हम लोगों ने ये सीख दी है कि पुनः अपराध ना करें जिससे इनको जेल आना पड़े और समाज की मुख्य धारा। और जो यहाँ ट्रेनिंग चल रही है दरी के उद्योग का है, प्रिंटिंग प्रेस है, इसी प्रकार के अन्य जो उद्योग चल रहे हैं उसमें ये लोग ट्रेनिंग कर रहे थे। कुछ कैदियों ने जो ट्रेनिंग की है वो अपना बाहर जाकर रोजगार करेंगे। साथ ही साथ जिन कैदियों के पास रोजगार नहीं है उसके लिए हम लोग जिला प्रशासन से पत्रचार करते हैं। नहीं, 12 कैदी 302 के हैं, एक SC/ST एक्ट का है। तीन जिलों के हैं, रीवा के भी हैं, शहडोल के भी हैं, अनूपपुर के हैं, उमरिया के भी हैं। सभी 14 साल सूखे और 6 वर्ष माफी, कुल मिला के 20 वर्ष कम्प्लीट हो गया है इनका।